हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. बहुत ही टाइट स्केड्यूल की वजह से एंड लेस स्लीप की वजह से मुझे आने लगे फिर से पिंपल्स, जो कि सब चले गए थे. एंड यहाँ पे ह्यूमिडिटी एंड गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पिंपल्स आर बैक, दे हैव टू कम. ऐसे कैसे मुझे अकेले छोड़ के जा सकते हैं ना, दे हैव टू कम. तो जब मैं इंडिया जाऊँगी, अच्छे से रेस्ट करूँगी, तब शायद जाएगा कॉल. तो ये लोग फैला देती हैं, बेचारी एंटी बटोरती होती हैं, फिर साफ करती होती हैं. हाँ, ए तो मेरे मेरे बारे में बोला, तेरी मम्मी भी ऐसे ही करती है. तू फैलाता है, तेरी मम्मी साफ करती है. नहीं, मैं कर लेता हूँ. चोक, मैं देखी हूँ. झूठ मत बोल. हेलो भाई. हेलो. आज हम लोग उधर ये डांस करने वाले हैं. चटका बैठ जाएगा, चटका बैठ जाएगा. कैसे भी कर रही हूँ, टाइम नहीं है. इसलिए मैं ना पेट कम करने वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाली थी, क्योंकि मुझे कम करना था, मेरा बढ़ गया था. लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने इतना, मतलब जब हम लोग यास आइलैंड पे थे तब हमने लिटरली बहुत कम खाना खाया था, एंड उसकी वजह से मेरा ऑटोमेटिकली टमी थोड़ा बहुत, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया. ऑलमोस्ट यू कैन सी दिस, आई डिडंट हैव टू डू एनी एक्सरसाइज, ना मैंने कुछ डाइट किया, लेकिन देखो अपने आप हो गया. अभी ये थोड़ा सा एक्सरसाइज करके और मेंटेन किया ना, तो शायद एब्स भी आ जाएगी. तो ऑफकोर्स कम खाना इज नॉट गुड, बट उधर स्केड्यूल इतना टाइट था कि हमें खाने के लिए कम टाइम मिल रहा था. लिटरली हम लोग एक एक टाइम का ब्रेकफास्ट, या फिर कभी, मतलब ब्रेकफास्ट तो स्किप नहीं कर रहे थे ऑफकोर्स, बट लंच तो स्किप ही हो रहा था, और कभी कभी डिनर भी स्किप हो जा रहा था. तो रात के टाइम हम लोग कभी कभी फ्रूट्स खा के सो जा रहे थे. लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. लेकिन इससे तो एक फायदा तो हो गया. ये वो ड्रेस है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था व्लॉग में, कि मैंने काफी ज्यादा महंगी ड्रेस खरीदी है, वो भी पहली बार. मतलब दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, बट मैंने ये सोचा था कि मैं ये आइफा पे पहनूंगी, लेकिन फिर बाद में मैंने प्लान चेंज कर लिया कि ये थोड़ा, मतलब नो डाउट दिस ड्रेस इज सो डैम प्रिटी, बट मैंने सोचा कि मुझे कुछ तो दूसरा पहनना चाहिए, तो मैंने लास्ट मोमेंट पे दूसरा पहन लिया. तो अभी मैं जा रही हूँ बुर्ज के नीचे या एक वीडियो बनाने के लिए. तो एंड सो आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस. ऐसे ये ड्रेस पहन के ना ऐसा फील होता है, ओह माय गॉड, आई एम अ प्रिंसेस. ना क्यूट गाउन है ये, एंड सबसे बेस्ट पार्ट है ये जो है ना, ये मुझे ज्यादा पसंद है. तो अभी मैंने इसको फोल्ड करके रखा था, इसलिए ये पिचक गया था, लेकिन ये ऐसे फूलता है. सबसे फनी पार्ट, मैंने इसके अंदर पहना है सॉक्स, और इसके ऊपर मैं शूज पहनने वाली हूँ, क्योंकि वैसे भी दिखेगा नहीं मैंने अंदर क्या पहना वीडियो बनाने तक, इट्स फाइन. और इसके ऊपर मैंने पहना है शॉर्ट्स पहना मैंने, डेनिम शॉर्ट्स, यू कैन सी दिस. तो मैं चेंज करने वाली हूँ वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि ये पहन के तो मैं दुबई मॉल घूम नहीं सकती. The only one and only one. अरे मैं क्या बोल रही हूँ, पापा की परी. हम तो एकदम ऐसे नॉर्मल आए, मतलब अडॉल देखे, बहुत अलग लग रही है वो, हमने काफी ज्यादा दिवाली बन के घूम रही हूँ दुबई मॉल में, सब देख रहे इतना क्यों बंटन के आई है. सो दीज आर द रियल रोजेस, और उन्होंने कहा कि ये 5 ईयर्स तक ऐसे ही रहेंगे, लेट्स सी नाउ. सो मैं ले रही है इसमें से एक, और एक बात बताऊँ क्या गाइस, वो रोज बेचने वाला इतना हैंडसम है ना यार, क्या बताऊँ. देखो सोमे के बाद में रुका है. हाँ ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार. वो कौन सा ले रही है, ये वाला? हाँ ये वाला ले रही है, ये 350 दिरहम का है, मतलब 7000. सौम्या के बाद वाला लड़का, हाँ हाँ, चिकने. तो मैं प्रिंसेस हूँ ना, तो वो रोज सौम्या खरीद के देगी मुझे. सब लोग देख रहे हैं मुझे की भीड़, और शायद वो बेइज्जती मारो, बेइज्जती मारो ये नहीं सुनना, पीछे वाले लोगों को समझती है अपनी लाइफ, क्योंकि वो लोग भी इंडियन है. कौन बच्ची किधर है बच्ची? अरे हाँ यार, हाँ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल ना, खुद के प्रमोशन कर रहा है. मैं अब मेरा आउटफिट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो का फर्स्ट टेक निकालना है, और इधर इतनी ज्यादा धूप, इतनी ज्यादा गर्मी है, क्या बताओ. आई हैव चेंज माय क्लोथ्स नाउ, एंड अभी इससे पहले वाला जो टेक था ट्रांजिशन वीडियो के लिए, वो अभी मैं शूट करने जा रही हूँ नाउ, एंड कम्फी क्लोथ्स. सो मैं और लकी रुके मेरे लिए. Thank you.
हुई थी और उसका ना बॉयकॉट था, और लिटरली लकी तो देख ही रहा था, ऑफकोर्स लकी तो लड़का है तो वो तो लड़कियों को तो देखेगा ही, लेकिन लिटरली मैं भी देख रही थी उसको, मतलब इतनी खूबसूरत इतनी, और ऊपर से उसने बॉयकॉट भी करा था लेकिन फिर भी ओ माय गॉड, और उसको देखते देखते मैं एलिवेटर को टकराने वाली यार। कोई भी चीज दुबई मॉल में ढूंढना मतलब बहुत बड़ा टास्क, और तेज जैसे छोटे से बच्चे को ढूंढना इट्स वेरी बिग काम। अभी हम ढूंढ रहे हैं गुची का स्टोर जो हमको मिल नहीं रहा है, कब से चले जा रहे पता नहीं। सौम्या न्यू बैग। सौम्या ने अपनी किडनी बेच के गुची ली है, सही बोला ना लकी मैंने। बची है डियोर के लिए। मैंने भी एक किडनी बेच, मैं भी सोच रही हूँ बेचने के लिए और कुछ खरीदने के लिए। मैं चेक कर रही थी क्योंकि कल मैं चेक करके आई हूँ अपना, कल एक्चुअली कल एक्चुअली कार्ड काम ही नहीं किया, कल भी आए थे लेने के लिए लेकिन कार्ड वर्क ही नहीं किया। तो आज मतलब उन्होंने सौम्य के लिए बैग साइड में रख दी थी रिजर्व, तो आज हम लोग आए। सो फाइनली वी हैव ऑर्डर्ड कॉफी फॉर अस एंड स्टारबक्स ढूंढने में जो हमारी वाट लगी है, लिटरली वी वर सर्चिंग स्टारबक्स फॉर आई गेस हाफ एन आवर एंड तब जाके मिला है। लाकी क्योंकि उनको एक ही नाम आता है लाकी, यार वो मम्मी के लिए मंगाता है। और यहाँ पे यार मतलब यहाँ इधर वाले लोगों में यहाँ पे लिखे नहीं देते शायद, ये लोग बॉटल में नहीं लिखते यहाँ पे स्केच पेन से, है ना। लकी का डोनट है ना बहुत टेस्टी लग रहा है, लकी जा रहा है उधर कहीं कुछ काम के लिए, मैं खा लूंगी उसका डोनट। रुक जा इतना मारूंगा अंदर रहने का रास्ता नहीं मिलेगा तुम लोग। चुप बैठ, ये निकाले क्या है यार, फोटो फोटो खाने को दो। इतना मारूंगा भाग तो रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता मिल जाएगा गूगल मैप लगा लूंगा। जरूर जरूर जरूर। नो आई एम कटिंग द केक राइट नाउ। कटिंग द केक, तेरा बर्थडे नहीं निकल, तेरा बर्थडे बस पत्थर है या केक ही फट रहे नहीं है। मैं ट्राई कर रही हूँ सौम्य की कॉफी जो ये हमेशा पी रही थी, आपको तो पता ही है। तेरा रेडियो फिर चालू हो गया। और आई गेस ये मैं जॉर्डन्स लेने वाली हूँ, और आई गेस ये मेरा फर्स्ट जॉर्डन्स होगा क्योंकि मेरे को कभी जॉर्डन्स का क्रेज था ही नहीं। मैंने ऑनलाइन देखा तो उसमें से मुझे एक पसंद आया, तो मैंने सोचा कितना भी है ये खत्म नहीं हुआ, और नीचे का कड़वा है तो फिर शुगर लेना चाहिए था ना। मेरा ऐसा नहीं है कुछ खाया नहीं था इसलिए। हाँ हाँ यार अंदर तो चला गया है, जेली 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 वाला लग रहा है, पसंद आया यार ये, मैंने पहनना चाहिए था आज। काफ़ी सारे कंफ्यूजन के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये वाला लूँगी एंड पिंक वन। एक्चुअली पिंक वाले में मेरी साइज है मतलब, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लूज हो रहा है ये मेरा। ये दे दे, ये दे दे कांच का दे दे। बिलिंग काउंटर किधर है? वो जो फिट है ना वहाँ पे जो योगा कर रही है ना वो, कैन यू गेस वो कितने का रहेगा? कैन यू गेस? 5 तक तो हो जाना। 5 तक? नहीं, रॉन्ग आंसर। आई टेल यू इट इज ऑफ 12,000। जिस स्पीड से मैं गई ना उस स्पीड से मैं भाग के वापस आ गई। तो जिस स्पीड से मैं चली गई ना उस स्पीड से मैं एकदम रिटर्न भाग के आ गई कि भाई नहीं लूंगी बिल्कुल नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं। सो मैंने सेम शूज ले लिया, सेम साइज का। अभी तो बहुत झगड़े होने वाले हैं। नहीं झगड़े नहीं होंगे, अभी फाइनली ले लिया जो मैंने राज के लिए लिया है वही सेम राज और लकी ट्विनिंग कर लेंगे ये वाला, क्योंकि मुझे भी पसंद आया था लेकिन मेरी साइज का है नहीं यहाँ पर। दिस इज फॉर राज, राज को ऐसे फंकी कलेक्शन ज्यादा पसंद है तो उसके लिए मैं ये ले रही हूँ। दिस आर सो क्यूट। यहाँ पर आके कॉन्वर्स और बर्श का तो बनता है क्योंकि इंडिया में नहीं मिलता। 11 o'clock हो चुके हैं और ऑलमोस्ट स्टोर्स अभी बंद होने आए हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कल आके लेके जाए जितना भी मेकअप का सामान। सौम्य को थोड़ा फीवरिश फील हो रहा है तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, पहले फार्मेसी में जाएंगे वहाँ से टैबलेट्स और मेडिसिन लेके 2-3 वीडियो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियोज आर इम्पोर्टेंट। लेकिन क्यूट है यार। आई नो इट्स क्यूट बट आई वांट समथिंग। बैठ गए एक जगह पे और सच में यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है।
सिटिंग भाई बहुत थक गया हूं। ये हमारी लावारिस बैग और ये हमारा लावारिस लकी और वो उधर हमारी लावारिस सौम्या। वो वी आर हैविंग फूड लाइक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वी लकी और मैं वीडियो बना रहे थे लेकिन जैसे चाहिए वैसे नहीं आ रही क्योंकि हमारा फेस भी ऐसे टायर्ड लग रहा है और एक्चुअली हमारा एक्चुअली वीडियो बनाने का मन की बात भी नहीं है मतलब एनर्जी है ही नहीं लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि नो यार वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर डेज वी हैव टू मेक अगर हम लोग यहाँ पर है क्योंकि हम लोग फुल एग्जॉस्ट। छोड़ दे अरे गिरने दे लकी यही मौका है बदला लेने का। डिनर तो हमारा हो गया पिज्जा खा लिया तो अभी तक मुझे भूख नहीं लगी है। जितनी भी कल शॉपिंग अधूरी रह गई वो हम आज करेंगे और मैंने आज लेंस का दूसरा पहना है ब्राउन शेड मतलब ऐसे ब्राउन है और ये शेड मैंने फर्स्ट टाइम ही लगाया मतलब मैंने रशियन वेलवेट ग्रे के अलावा मैंने कोई दूसरा कलर अभी तक यूज नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई दूसरा कलर सूट नहीं होता लेकिन ये ब्राउन है बट ये अच्छा लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है मतलब नेचुरल लग रहा है ज्यादा ओवर नहीं लग रहा है बट ये पावर लेंस नहीं है तो इसके ऊपर मुझे ऑफकोर्स चश्मा लगाना पड़ेगा लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं पावर लेंसेस ले लूँ क्योंकि आई रियली लाइक द शेड ऑफ द लेंसेज। ऑल्सो आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट टूडे। ऑयली वगैरह खा के मैं पक गई तो मैंने सोचा कि सैलेड ही ले लेती हूँ और जो सैलेड मुझे इंडिया में पसंद है वो मुझे यहाँ पे मिला नहीं तो आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग नया वाला। और डॉल शॉपिंग करे जा रही है डॉल व्हाट डू यू वांट ब्लश लेकिन अवेलेबल नहीं है इट्स नॉट अवेलेबल हियर। तो मैंने अपना एयरपॉड्स का लेफ्ट साइड का बोर्ड घुमा दिया है राइट साइड का अच्छा राइट साइड का बोर्ड घुमा दिया है तो उसके लिए मेरे वजह से कुछ भी और इसके और राज की वजह से और मैंने मेरे पूरे जिंदगी में लेकिन मैंने मेरे पूरे जिंदगी में कभी एयरपॉड्स घुमाया नहीं है लेकिन गाइस इन लोग के साथ में रह रहे के मेरा भी अभी एयरपॉड्स घूम गया मुझे मिल नहीं रहा है यहाँ पे और मैंने होटल में हर जगह चेक किया लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला एयरपॉड्स तो मुझे अभी इतना ज़्यादा दुख हो रहा है ना और मुझे कंफर्मेशन भी नहीं है कि मेरा घूमा है या बैग में ही है। अगर घूमा रहेगा तो एटलीस्ट मैं यहाँ से मतलब सस्ते में खरीद तो लूँ लेकिन कंफर्मेशन भी नहीं है कि एग्जैक्ट घूमा है या कहीं कोई बैग में रह गया है। अपना एक कान का झुमका मिल गया। आई एम फीलिंग वेरी सैड दैट मेरा घूम हो गया है अभी कैसा लग रहा है बिल्कुल पूरा। तो मैं बोल रही है कि मेरी पिक्चर सही नहीं आ रही है मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं बोर हो गई ये लुक से। मैंने बोला ये लुक से अगर बोर हो गए तो प्लास्टिक सर्जरी करा दे वही एक सोल्यूशन है यार। ये लड़की इतनी 500 जब हम पहले आए थे वी यूज टू स्टे इन दिस एरिया एंड हम लोग यहाँ पे रात को चिल करने आते थे सो आई रिमेम्बर ऑल दोस थिंग्स एंड दिस प्लेस इज सो अमेजिंग। रेड हैंड मम्मी रेड हैंड नहीं है रेड हैंड ही है बेटा अभी मैं बताऊंगी। मैं बोल रही थी कि यहाँ पे सारे बॉयज लोग होते हैं ना उनको ऐसा लगता है मतलब मोस्टली नॉट एवरीबॉडी बट कुछ लोग होते हैं ना लुक एट मी आई एम लुकिंग हॉट एंड ऑल बट लेट मी टेल यू गाइस दैट वी आर इंटरेस्टेड एंड वी हैव आवर बॉयज in India and we are interested in brown mundas wo ye leke gayi thi maine ye liya Starbucks yahan pe aise milta hai I actually didn't like the taste of this coffee aise lag raha hai matlab वो कुछ अजीब ही है
लाइट दादा, चलो मुझे अभी वीडियो निकालनी है। लाइट दादा इज बिजी। लाइट दादा नहीं, मम्मी है लाइट दादा। मुझे भी अभी वीडियो बनाना है। कोई हमें मिलने आया है। कौन आया है? वो क्यूट सा पर्सन है। और ये हमारे मतलब होटल के एग्जैक्ट बाजू में ही है, बाजू में 5 मिनट्स। तो रोज यहाँ से दूर से देख के चले जाते थे, लेकिन फाइनली आज हम मिल गए। ये तब कहीं बाहर होते थे।